नादरा के लिए पूरे पाकिस्तान में बेशुमार जॉब्स का ऐलान कर दिया गया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के हवाले से कि सिलेबस क्या होगा, पेपर कौन कौन से होंगे और इसके अलावा आप तैयारी वगैरह कैसे करें। अगर आप ये एडवर्टीजमेंट PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वहाँ से जाके ये पूरे पाकिस्तान की तकरीबन है जॉब्स, इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने देख सकते हैं, क्योंकि टेस्ट डेट और इंटरव्यू उन्होंने दोनों को इधर ही बता दिया। इसके लिए अप्लाई वगैरह नहीं करना, आपने इस डेट को जाकर टेस्ट वगैरह देना और इंटरव्यू देना। अब हम सिलेबस डिस्कस करते हैं, उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोगों के लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाई जाती हैं, लेकिन आपसे भी एक हम रिक्वेस्ट करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अदरवाइज अकेडमियों वाले इतने इतने पैसे लेते हैं कि जो आपके पेपर में क्वेश्चन आए इस नंबर पे ज़रूर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जो 5-10 जितने भी याद रहते हैं, ताकि सब लोगों का भला हो जाए। लोग आ ये एक नेकी है, लोग अकेडमियों के चक्करों से पैसों से बच जाएँ अगर उनको इधर से सारी चीज़ें मिल जाएँ तो। अब बारी है डाटा एंट्री एग्जैक्टिव के सिलेबस की, जो नादरा के लिए होगा टेस्ट। इसमें 200 याद रखिएगा, ये एक्सपेक्टेड है और तकरीबन उम्मीद है इसके अराउंड अबाउट ही होगा। इसमें दो टेस्ट होंगे, एक टाइपिंग टेस्ट होगा और एक MCQs बेस्ड टेस्ट होगा। अब टाइपिंग टेस्ट बेसिकली ये उस तरह का नहीं है कि जी आपने जित स्पीड निकाल दी, एक्यूरेसी कोई भी हो नहीं, क्योंकि नादरा में कुछ भी गलती होती है तो वो बहुत बड़ा इश्यूज होते हैं, क्योंकि वही जो नाम लिखा गया वही सारी ज़िंदगी चलता है। तो इसलिए आपकी टाइपिंग एक्यूरेसी 90+, तकरीबन 90 के अराउंड अबाउट होनी चाहिए, तकरीबन कम या ज़्यादा वो उनकी पॉलिसी है, हो सकता है वो 80 को एक्सेप्ट कर लें, 70 भी कर लें, लेकिन आप तैयारी 90 के अराउंड अबाउट करके जाइएगा, कम अज़ कम 95 वो और बेहतर है। अब इसमें एक MCQ टेस्ट होगा, उसके 45 तकरीबन मार्क्स होंगे, एक टाइपिंग होगा उसके 45 मार्क्स होंगे और इंटरव्यू होगा। जो इन दोनों को पास कर जाएगा उसका इंटरव्यू बाद में होगा, वो बताई गई डेट के मुताबिक। अब MCQ 30 होंगे तकरीबन, एक MCQ 1.5 नंबर का होगा और इस तरह 45 बनते हैं। टोटल टाइम जो टाइपिंग जो MCQ टेस्ट है उसके लिए 20 मिनट दिए जाएंगे, और टोटल टाइम जो है टाइपिंग टेस्ट के लिए 5 या 10 मिनट देंगे, और ये 45 मार्क्स का होगा। अच्छा जी, इसके बाद ये याद रखिए कि ये टाइपिंग और MCQs बेस्ड दोनों टाइप के टेस्ट होंगे और दोनों पास करने ज़रूरी हैं। अब सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस में जो है इंग्लिश तकरीबन 5 MCQs होंगे, ये 6 भी हो सकते हैं, और जनरल नॉलेज 5 तकरीबन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT यानी कि कंप्यूटर के रिलेटेड 5, IQ मैथ के रिलेटेड तकरीबन 5, नादरा SOPs के तकरीबन 5। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हम इसके हवाले से वीडियो इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे, अदरवाइज इसी वेबसाइट से आपको इंशाल्लाह नादरा SOPs भी मिल जाएंगे नादरा पास पेपर में इंशाल्लाह। इसके अलावा जॉब रिलेटेड हो सकता है ये जो है ये डाटा एंट्री एग्जेक्टिव के रिलेटेड पूछ लें, कंप्यूटर के रिलेटेड पूछते हैं, या ये वाला पोर्शन ना डालें, बाकी 6-6 कर दें, और ये आगे पीछे भी हो सकता है, सिलेबस उनकी मर्जी है। यहाँ से आप PDF में भी ये सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद रही बात तैयारी के लिए नोट्स, हमने तुम क्योंकि लोगों को नोट्स गेट करना तो बाज़ दफ़ा मुश्किल होता है, तो हमने इधर ही उनके लिंक दे दिए हैं ताकि आप इजीली कर सकें। अब टाइपिंग टेस्ट की ये SOP सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। टाइपिंग टेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे हम डिटेल से किस सॉफ्टवेयर से आप तैयारी वगैरह कर सकते हैं। याद रखिएगा नादरा जो है टाइपिंग टेस्ट वो अपने सॉफ्टवेयर पे लेता है, वो किसी यानी कि ये इस तरह टाइपिंग मास्टर वगैरह पे नहीं लेता। आप टाइपिंग मास्टर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके अलावा फास्ट टाइपिंग इस तरह के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं, हम उनसे उर्दू इंग्लिश वगैरह में अप्लाई टाइपिंग स्पीड बना सकते हैं। ये गेस्ट पेपर है, यहाँ से आप गेस्ट पेपर भी जो है सिलेबस के मुताबिक ले सकते हैं, बाकी तमाम चीज़ें यहाँ से आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी। एंड फिर नंबर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पेपर में जो क्वेश्चन 5-10 आपको याद ने ज़रूर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इसके अलावा नादरा पास्ट पेपर भी आपको इस वेबसाइट से मिल जाएंगे, वेबसाइट के नाम है testpoint.pk, ये आपके सामने इसके पास्ट पेपर सिलेबस है एवरीथिंग इंशाल्लाह आपको यहाँ से मिल जाएगी, तैयारी के हवाले से सैलरी वगैरह के हवाले से भी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा।